हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में तो कैसे हैं आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस लेक्चर नंबर टू में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं थोड़ा सा हल्का सा कुछ मिनटों की देरी है उसके लिए माफी चाहूंगा आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सुबह उठ के अपने भविष्य को बनाने के लिए अपने कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए आप सुबह सुबह क्लास में पधारते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है आप सभी को ये बात सूचित करते हुए कि कल का जो लेक्चर था मतलब कमाल यार क्या बोलूं मेरे पास शब्द नहीं है हम लोगों ने कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हम तोड़े जा रहे हैं इस साल भी देखो बेटा बहुत ज्यादा अच्छी बात है कल के वीडियो पे जो हम लोगों ने कल क्लास ली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल के वीडियो के ऊपर आप देख सकते हैं पच्चीस हजार तो व्यूज है मतलब बच्चों ने, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी धांसू शुरुआत मैंने कहीं नहीं देखी हर साल ये ग्राफ यूं जा रहा है मतलब लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था कि हम हजार प्लस बच्चों को हम लोगों ने टच किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कल के आप देखा देख सकते हो 1900 से ज्यादा बच्चे कल लाइव थे बहुत ही कमाल मतलब अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है और उससे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कल की क्लास में कि मुझे आप सभी से प्रण चाहिए मुझे आप सभी से प्रॉमिस चाहिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डेली के डेली रिविजन करके आएंगे और मुझे आपसे एक प्रण चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करने वाले हैं इस प्रण को लेकर के आप लोगों को कमेंट्स करने थे 865 कमेंट्स हैं आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल और आप ये चीज भी ऑब्जर्व करना कि कल मैं आप सभी बच्चों का एक एक कमेंट पढ़ रहा था काफी बच्चे कहते हैं कि सर कमेंट्स आप इतने सारी चीजें हैं आप कमेंट्स पढ़ पाते हो क्या आप कमेंट्स पढ़ते हो क्या मैं एक बार टेलीग्राम में मैसेज डाल दूं कि हमारी क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है ताकि बच्चे जुड़ जाए ना हाँ तो काफी बच्चे कहते हैं कि सर आप कमेंट्स पढ़ते हो क्या मैं कहता हूं हाँ जब भी मैंने आपको बोला है कि आज आप कमेंट्स करोगे मैं पढ़ूंगा मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ उसका सबूत है मैंने सारे कमेंट्स को पढ़ा अपने खुद से हार्ड दिया बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं और सभी कमेंट्स में नाइनटी कमेंट्स यही है कि सर मैं वादा करता हूँ मैं वादा करता हूँ वादा करती हूँ कि मैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जी जान लगाने वाला हूँ लगाने वाली हूँ और बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं तो बहुत खुशी होती है सब देख करके चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करने का समय आ गया है फटाफट से एक बार आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने माध्यम पे जो भी आपके पास माध्यम है व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे है ना फिर हम लोग आज की जो यात्रा है उस आज की यात्रा को शुरू करते हैं देखो ऑर्गेनिक की यात्रा में हम कहां तक पहुंच गए थे पहले उसके बारे में बात कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे कल की क्लास सबको पता होनी चाहिए एक बार मैं आप लोगों को आपका गोल फटाफट से याद दिला दूं कि आपका गोल क्या है आपकी पढ़ाई को लेकर के जिसको आप एम भी कहते हो और एम या गोल का जो हिंदी शब्द है वो तो मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद सभी को गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है एक बार पहले ये बता दो ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है गुड हाँ हिंदी नाम मुझे इसका ज़्यादा प्यारा लगता है लक्ष्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर एक बच्चे को उसका लक्ष्य सबसे पहले क्लियर होना चाहिए क्योंकि बिना लक्ष्य के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कभी भी लक्ष्य हमारा बहुत साफ है मतलब जब एग्जाम में प्रश्न आए तो शत प्रतिशत प्रश्न हमारा सॉल्व होना चाहिए कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था एक इंपॉर्टेंट कमेंट यह था कि सर आईआईटी जी लेवल पे जाएंगे क्या हम या हम बहुत बेसिक बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं तो हमें ये शक हो रहा है कि हम क्या एक बड़े लेवल तक अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनिक को तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि मैं आपको शुरुआत बिल्कुल जीरो से कराने वाला हूं मैंने उनको एक ही बात बोली कि हम जिस चीज की शुरुआत कर रहे हैं वो बिल्कुल जीरो है और हमारा टारगेट होगा कि हम जीरो से हीरो की तरफ जाए और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम कुछ भी करेंगे है ना इसीलिए आप एक बात को नोटिस करना कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं और बेसिक से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एडवांस लेवल पे ले जाने का सपना रखता हूं हिम्मत रखता हूं और हमारे लेक्चर्स भी हम उसी डायरेक्शन में बनाने वाले हैं और इसलिए मैंने इसको एक कंपैरिजन भी दिया था अगर आप सभी बच्चों को याद हो कि हम बीज से शुरू कर रहे हैं और हम बरगद तक जाने वाले हैं तो मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सफर होने वाला है सभी बच्चे याद रखें वो बीज से बरगद तक का सफर है आपको देखना कि ये छोटा सा बीज जो आपने बोया है ऑर्गेनिक का ये धीरे धीरे कैसे एक विशाल पेड़ का रूप ले लेगा और इसके फल जब मिलेंगे ना ये मिलेगा आपको आपके पास बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कट रहा होगा आपका और मैं जब भी ये बातें बोलता हूं ना तो इसका कुछ मतलब होता है ऐसा नहीं है हवा में बात कर रहा हूं बोर्ड जो है उसमें आपका एक भी नंबर नहीं कट रहा होगा जेई में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे आप कर पा रहे होंगे और नीट के अंदर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे और जब ये तीनों चीजें होने लगेंगी ना एग्जाम जब आएगा तो ये आपका फल है ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं सभी बच्चों का क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है कल की क्लास को हल्का सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं कल की क्लास में रिवीजन पॉइंट यही था कि कार्बन के बारे में आपने बहुत सारे बेसिक्स पढ़े अगर मैं कल की क्लास को समराइज करूं और बड़ी समरी में सारे पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करूं तो मैं यह चाहता हूं कि आप कल की क्लास से कुछ बातें याद करके आगे बढ़ें अभी तक कहानी अब तक है ना ऐसे कह सकते हैं इसको अपन कहानी अब तक कहानी अब तक यह है कि आप कार्बन के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हो देखो आप ही जानते हो कि जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक क्या है कार्बन सी फोर प्लस क्यू नहीं बनाता कार्बन सी फोर माइनस क्यों बनाता है सी फोर माइनस क्यों नहीं बनाता कार्बन बंद कैसे बनाता है मोटी मोटी बात जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली थी वो ये थी कि कार्बन पांच बंद कभी नहीं बनाता हम मर जाएंगे सनम पर पांच बंद नहीं बनाएंगे ये चीज है।, है ना ये कार्बन का है कि कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए हम पांच बंद कभी नहीं बनाएंगे नेक्स्ट पॉइंट हाँ एक और बात काफी बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमारे पास हमने प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स देख रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो क्या इस साल के लेक्चर्स देखना जरूरी है या हमारा काम चल जाएगा जो प्रीवियस के लेक्चर थे हम उसके अंदर भी पॉइंट्स ऐड करते हुए इस साल के लेक्चर्स बनाएंगे मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 2021 वाले बच्चों को जो ऑर्गेनिक पढ़ाई थी उस ऑर्गेनिक को अपडेट किया जा रहा है हर तरीके से और उसके बाद 2022 की ऑर्गेनिक मिलेगी आपको और ये बात मैं पहले भी अपने लेक्चर्स मेंशन में कर चुका हूं कि हम लोग एक अपडेट की तरफ जा रहे हैं सवालों का जवाब दे देता हूं स्टार्टिंग में ताकि आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि भैया हर साल पढ़ना है <laughs> है ना? और दूसरी बात हमेशा याद रखनी है कि इस बार की ऑर्गेनिक खास है और वो, वो आपको आज के लेक्चर से देखने को मिल जाएगी ठीक है तो पांच बंद कभी नहीं बनाएगा कार्बन ये आपको याद रखना था कार्बन के अगर चार बंद बनेंगे तो कार्बन पे कोई आवेश नहीं आएगा ऐसे चार बंद आएंगे तो कार्बन पर कोई आवेश नहीं आएगा किसी प्रकार का अगर कार्बन तीन बंद बनाता है तो फिर उसकी स्थिति ऐसी होगी या तो उसके ऊपर डॉट होगा मैंने आपको बताया था कि डॉट का मतलब होता है उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है ना उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है या फिर कार्बन के ऊपर प्लस होगा कि कोई बंद आया और उसके खुद के इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला गया तीसरी स्थिति में कार्बन के ऊपर माइनस होगा प्लस को हम कहेंगे कार्ब धनायन और माइनस ये नेगेटिव लिखा हुआ है ठीक है माइनस माइनस को हम कहेंगे कार्ब ऋणायन यहां पर भी एक बहुत खास बात थी जो नोट करने वाली थी मैंने करवाई हुई थी आपको कि यहां पर एक्चुअल में दो इलेक्ट्रॉन हैं इन दो इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले का है पर क्योंकि सामने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन देकर के गया है एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव आएगा वहां पे है ना माइनस का वन लिख रहे हैं बट एक्चुअल दो इलेक्ट्रॉन है ये बात मैंने कल समझाई थी और अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो आपको कल के वीडियो का लास्ट सेक्शन देखना चाहिए लास्ट के बीस मिनट आपको देखना चाहिए वहां पर डिस्कशन हुआ है लेक्चर नंबर वन में वो देखे बिना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे आप है ना दूसरी बात इसको क्या बोलते हैं इसको मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं ठीक है एज ए नेम सजेस्ट ये हो गया फ्री रेडिकल दिस इज कॉल्ड कार्बो कैटायन दिस इज कॉल्ड कार्बो एनायन ओके ठीक है और ये सिंपल कार्बन है ये तीनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं इसलिए इन तीनों की गणित आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे कौन से बंद हैं कितने इलेक्ट्रॉन खिसके हैं कि, किसते नहीं है इसलिए ये मैं इसको कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन को पढ़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे तो चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक सब कुछ ओके है कल की क्लास में से अगर आपको कुछ भी देखना है वापस जानना है तो बताइए नहीं तो फिर हम आज की आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ठीक है टाइमिंग का आ रहा है बच्चों का कमेंट कि सर टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो उस पर विचार किया जाएगा हम देखते हैं कि हो सकेगा टाइमिंग शायद पांच बजे का साढ़े पांच बजे का ऐसा कुछ कर लेंगे और एक क्लास रख लेते हैं मॉर्निंग में अभी इस वीक तो काम चलाते हैं थोड़ा सा है ना फिर नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे मॉर्निंग में एक क्लास रख लिया करेंगे वाह 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 वा, क्या बात है गुड 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 वेरी गुड हाँ तो हम मॉर्निंग में क्या किया करेंगे एक क्लास रख लेंगे मेरी क्लास हो जाएगी मॉर्निंग में लंबी डेढ़ दो घंटे की और शाम को जो है फिजिक्स हम शिफ्ट कर देंगे और एक बार बता दूं मैं आपको कि सुभाष सर की क्लासेज एप्लीकेशन पर लाइव चल रही हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्वेल्थ फिजिक्स जो है वो कहाँ पर लाइव है ट्वेल्थ फिजिक्स की लाइव क्लास जो है वो ऐप के अंदर चल रही है ना और मैं आज एक वीडियो बना कर डलवा दूंगा कि exactly एग्जैक्टली ऐप में फ्री में वो क्लास आप कैसे देख सकते हैं काफ़ी बच्चों को वहां भी दिक्कत है ओके बॉस स्टार्ट करें शुरू करें इसकी डीपीपी डल गई है जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसकी डीपीपी ऑलरेडी हम लोगों ने कल डाल दी थी तो किसी बच्चे ने अगर चेक नहीं करी है तो आपको ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में जाकर के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीपीपी पी वन चेक करनी है डीपीपी पी वन अपलोड हो गई है जो डीपीपी वन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो अपलोड हो गई है तो किसी बच्चे ने अगर डीपीपी नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो डीपीपी अलर्ट के नाम से हम लोग एक मैसेज डालते हैं उस मैसेज को आते ही चेक कर लिया करो डीपीपी आई या नहीं आई और वो मैसेज आपको मिलेगा टेलीग्राम पे तो जो आपके डीपीपी है उस डीपीपी का नोटिफिकेशन जो है वो कहाँ आता है टेलीग्राम पर आता है ओके चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं समझने की कोशिश करना अच्छे से मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं तो हम चीजों को बैकग्राउंड में देखने की कोशिश करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है देखो ऑर्गेनिक का जो इतिहास है कि रट्टू तोते वाला काम है रटने वाली है बट फिर भी दो चार मिनट में खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक जो है ना ऑर्गेनिक को अर्थात कार्बनिक रसायन को जीवन से संबंधित रसायन कहा जाता है मतलब पहले ऐसा माना जाता था पहले आज भी ऐसा ही है पहले ऐसा माना जाता था बात समझना ध्यान से कि अगर कोई ऑर्गेनिक का कंपाउंड है मतलब ऑर्गेनिक का कोई भी कंपाउंड हो कंपाउंड का मतलब समझते हो यौगिक पहले ऐसा माना जाता है कोई भी अगर कार्बनिक यौगिक है तो वो कार्बनिक यौगिक लाइफ से संबंधित होगा और वो आपको प्राप्त होगा पौधों से या सजीवों से मतलब जिंदा चीजों के अंदर से निकलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा स्टार्टिंग में था और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम अकार्बनिक यौगिक कह सकते हैं अकार्बनिक यौगिक के बारे में यह था कि ये निर्जीव के अंदर मिलेंगे ये आपस की बातें हैं, समझना इंपॉर्टेंट है पहले ऐसा माना जाता था, था। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि पौधे हो गए इंसान हो गए जानवर हो गए उनके अंदर से आपको कंपाउंड मिलेंगे ऑर्गेनिक के है ना? और निर्जीव जो है उन निर्जीवों से आपको प्राप्त होंगे अकार्बनिक यौगिक और एक सबसे बड़ी बात जो विचित्र लगती है सुनने में पहले मानी जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो धरती पे प्रकट हुए हुए हैं आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना नहीं सकते हो लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक दिव्य शक्ति है जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे खड़ी रहती है और वो एक हर एक कार्बनिक यौगिक के अंदर होती है और उसी दिव्य शक्ति से वो बनता है और उस दिव्य शक्ति का नाम है वाइटल फोर्स अज्ञात शक्ति और जो वाइटल पहले क्या होता था ना पहले अध्यात्म का और साइंस का काफी मिक्सचर होता था मतलब अध्यात्म अध्यात्म समझते हो ना उसको और साइंस को मिक्स करके बोला जाता था, था आजकल क्या है बिल्कुल सेपरेशन है बाउंड्री है बीच में तो भाई साहब ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बहुत बड़ी बात इन लोगों ने कह दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके लिए एक वाइटल फोर्स होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती है 1815 की बात है बर्जीलियस का कमेंट है ये बर्जीलियस भाई साहब ने ये बोला कि एक वाइटल फोर्स है जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का काम करती है तो वाइटल फोर्स से कार्बनिक यौगिक बनते हैं गजब बात है ना ये बात कही थी किसने 1815 में बर्जी ने और इनकी जो थ्योरी है इनके इस सिद्धांत को VFT का नाम दिया गया मतलब इन्होंने जो बात बोली ना अब सुनने में आपको कितनी ही अजीब लगे है ना उस बात का नाम था उस कंसेप्ट का नाम था वीएफटी और उसे कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी तो काफी समय तक इन भाई साहब की बहुत इज्जत रही तगड़ी बोले तो भयंकर बहुत ही ज्यादा इज्जत कब तक जब तक वॉल्फर नहीं आए वॉलर वॉलर वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी 1815 में बर्जीलियस के द्वारा और वॉलर ने 1828 में जाकर के इस बात का खंडन कर दिया कैसे किया साइंस सबूत के साथ में जवाब देती है इन्होंने लैब में अमोनिया को बनाया अमोनिया के कार्बनिक यौगिक को इन्होंने लैब में बना दिया अब आप बोलोगे अमोनिया का कार्बनिक यौगिक कौन है तो उसका एग्जैक्ट नाम था यूरिया अगर आपने सुन रखा हो तो, तो इन्होंने लैब में यूरिया को बना दिया हिस्ट्री है या बोरिंग है पर खत्म हो गई है ठीक है बस इतना ही था तो वाइटल फोर्स थ्योरी की एक अदृश्य शक्ति है अदृश्य शक्ति, शक्ति है ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है इस प्रकार की बात करते थे बर्जीलियस इन भाई साहब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है देखो भैया बहुत सिंपल बात है इतना फालतू में लोगों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है लोगों को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है और इन्होंने इसका खंडन कैसे किया वॉलर वा, वा, ने अठारह के अंदर जो है यूरिया को बनाया लैब के अंदर पहली बार और जब लैब में बन गई चीजें और किससे बना दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना डाला मतलब यहां से इसको बना डाला और इसके बाद में इनके अंदर एक कनेक्शन बन गया पहले ऐसा लगता था कि भाई ये बिल्कुल अलग चीज है ये बिल्कुल अलग चीज है इसको तो भगवान बना रहे हैं हालांकि सब कुछ भगवान ने बनाया है वो एक अलग बात है बट इसके लिए ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक जो है जीवन जो है लाइफ जिसके अंदर है केवल उन्हीं से प्राप्त होगा और उसको हम लोग मनुष्य जो है वो नहीं बना सकते लैब के अंदर पहले ऐसा माना जाता था बट बाद में क्या हुआ बाद में भाई साहब प्रूफ हो गया कि नहीं नहीं कर सकते हैं यार बॉलर ने करके दिखाया और बॉलर के बाद में काफी सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने काफी सारे यौगिकों को लैब में प्रिपेयर किया और फिर इस बात का खंडन हुआ कि वाइटल फोर्स थ्योरी जैसी भी कोई चीज है और फिर ये चीजें ऐसे ही चलती रहीं ओके बताओ ठीक है मजा आ गया यहां तक यहां तक कोई कन्फ्यूजन नहीं आगे बढ़ जाए चलो बस ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी ये इतिहास था हल्का सा आपको बताना जरूरी था सो बता दिया कमेंट करके बताओ यहां तक सब कुछ ठीक है अगर तो फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां से आगे काफी सारी चीजें चलने वाली हैं ध्यान से देखिएगा कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना इनको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है है ना कार्बनिक यौगिक जो है इन कार्बनिक यौगिकों को रिप्रेजेंट करने का ये जो कार्बनिक यौगिक हैं, इन कार्बनिक यौगिकों को रिप्रेजेंट करने का काफी अलग अलग तरीका हो सकता है अब मैं उन्हीं तरीकों के ऊपर बात करूंगा ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया गया है C3H8 तो आपके सामने जो फॉर्मूला लिख रखा है ना सी थ्री एच एट आप इसको ध्यान से देखो इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी आपको यह नहीं बता रखा है कि संरचना कैसी होने वाली है इस फॉर्मूले में आपको कहीं भी ये नहीं बता रखा है कि हाइड्रोजन वगैरह का अरेंजमेंट कैसा है नहीं बता रखा है ना तो ये एक तरीका हो सकता है यौगिक का फॉर्मूला दिखाने का कार्बनिक यौगिक का रिप्रेजेंटेशन अपन देख रहे हैं एक तरीका यह हो सकता है कि ऐसे लिखा हो तीन कार्बन है एक दो तीन तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसके पास तीन हाइड्रोजन है और आप इसका कारण बहुत अच्छे से जानते हो कि इसके पास तीन हाइड्रोजन क्यों है क्योंकि हर एक कार्बन को चार बंद बनाने होते हैं तीन बना एक बना रखा था तीन और बनाएगा किसके साथ हाइड्रोजन के साथ आगे इसके पास दो बंद बने हुए हैं दो और बनाएगा इसके पास एक बंद बना हुआ है तीन और बनाएगा तो एक तरीका यह हो सकता है उस कार्बनिक यौगिक को रिप्रेजेंट करने का उस कार्बनिक यौगिक को निरूपित करने का हम कार्बनिक यौगिक का निरूपण देख रहे हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें एक हो सकता है सीतरिया एक आपने ऐसे पूरा खोल करके लिख दिया इसको इसके बाद एक तरीका और हो सकता है जिसमें हम ऐसे दिखा सकते हैं कि पहले वाले कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है दूसरे वाले कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन जो इसके ठीक बाद में है तीसरे वाले कार्बन के पास में तीन हाइड्रोजन है जो ठीक इसके बाद में है। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री यह भी एक तरीका हो सकता है पर वो तरीका जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और उसी के बारे में बात होगी सबसे ज्यादा इनके नाम बताऊंगा मैं अभी आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बंद रेखा निरूपण अब इसको जरा ध्यान से देखना सभी बच्चे क्लास में जितने बैठे हुए लाइन फॉर्मूला जो है उसके कुछ रूल्स होते हैं पहले उन रूल्स को सुने फिर रूल्स को बनाते हैं उससे बना के देखते हैं रूल नंबर वन ये है कार्बन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन नहीं दिखाते ठीक है रूल नंबर टू कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी भी तत्व को किस, कोई और तत्व उसको दिखाना है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सभी तत्व ये कह सकते हो आप कार्बन यौगिक में कार्बन के अलावा या हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व जैसे कि अगर मान लो ऑक्सीजन आ जाए नाइट्रोजन आ जाए अन्य तत्व लिखे जाएंगे ठीक है रूल नंबर थ्री लास्ट रूल यदि हाइड्रोजन अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा है तो उसे भी दर्शाया जाएगा आराम से देख लो और आपको एक बात बताऊं मैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको हमेशा ये फील होगा कि रूल्स सुनने में बहुत अजीब लगेंगे क्योंकि इस रूल्स को ना मैंने हमेशा अपनी भाषा में लिखा है और अपनी भाषा में ही बच्चों को लिखवाया है तो सुनने में अजीब लगता है बच्चों को ये बट काम की बात क्या है वो सुनो इनको अप्लाई करना सीखने के बाद ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे अब इसका अगर आपको बॉन्डलाइन फॉर्मूला बनाना है तो पहले आप ये समझिए कि कार्बन कितने है? एक दो तीन हम कार्बन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं एक डॉट एक कार्बन दूसरा डॉट दूसरा कार्बन तीसरा डॉट तीसरा कार्बन सिंपल मैंने बहुत छोटी सी बात लिखा नहीं आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पे छोटा सा कि कार्बन को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं ठीक है कार्बन डॉट होता है तो कितने कार्बन है तीन कार्बन है बात को समझिएगा पहला कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है सिंगल बॉन्ड तो आपको सिंगल लाइन दिखा देनी है ऐसे दूसरा कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है सिंगल बॉन्ड तो आपको सिंगल लाइन दिखा देनी है बस ये जो आपके सामने बना हुआ है ये है इसका बंद रेखा निरूपण एक बात को समझो मैंने यहां पे हाइड्रोजन को नहीं दिखाया क्यों क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं मतलब ये संरचना कुछ कुछ इस तरह की है एक सेकंड ऐसे देख पा रहे हो एंगल दिख रहे हैं प्रॉपर एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन अब ये जो बंद रेखा निरूपण है इसको समझने का प्रयास करना और एक और तरीके से क्या आपको इसके अंदर हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत है नहीं क्योंकि तो जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ी हुई है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है अब आप बोलोगे सर इससे इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है मैं आपको समझाता हूं इससे अगर आपको इस पे जाना हो तो बहुत आसान है कैसे आपको पता है जहां जहां पे डॉट आएंगे वहां वहां पे मान लो आपको ये बना के दिया ऐसा बना के दिया तो आपको अच्छे से पता है कि यहां से लाइन शुरू हो रही है मतलब यहां पे एक डॉट होगा यहां पे लाइन मुड़ रही है मतलब यहां पे एक डॉट है यहां पे लाइन खत्म हो रही है मतलब यहां पे एक डॉट है तीन डॉट का मतलब होता है तीन कार्बन सिंपल तो इसका मतलब यहां पर एक कार्बन है यहां पर एक कार्बन है यहां पर एक कार्बन है या आप अंडरस्टूड समझते हो अपने आप समझते हो यहां पर एक डंडी खींची हुई है इसका मतलब पहले और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यहां भी एक डंडी खींची हुई है इसका मतलब दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है अब इसके बाद में अपनी खुद की बुद्धि का प्रयोग करके काम करेंगे कैसे जब कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो तीन बॉन्ड और बनाएगा और जब कोई नहीं होता है तो कार्बन का सहारा हाइड्रोजन होता है उसके साथ बनाएगा दो बॉन्ड बना रखे दो और बनाएगा एक बॉन्ड बना रखा है तीन और बनाएगा आप यहां तक तो पहुंच गए इसके बाद इसको आसान करना है तो ऐसे लिख सकते हैं सी एच थ्री सीएच टू सी एच थ्री इससे आपको यहां पहुंचना है तो आपको साफ साफ दिख ही है कि तीन कार्बन है और आठ हाइड्रोजन है तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास समझ आया बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट समझ आया कि नहीं आया है ना कि हमें अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए ना ये वाली छोटी सी इंफॉर्मेशन तो इससे हम ये बना सकते हैं फिर इससे यह बन जाएगा और इससे यह बन जाएगा मतलब बंद रेखा निरूपण जो है उसको बनाना आसान है और उससे बाकी सारी चीजें बन सकती है इसलिए आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी अच्छी अच्छी किताबों के अंदर अच्छे अच्छे लेवल की जो बुक्स हैं उनके अंदर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही देखने को मिलेगा अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक और मैं यहां पर के दिखाता हूं जैसे मान लो ऐसे हो सीएच थ्री सीएच टू सी एच टू ओ एच ध्यान से देखना आपके सामने सीएस थ्री सी एस टू सी टू है इसको कैसे करेंगे पर? एक चीज को साफ साफ समझिए एक दो तीन तो एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन सही है पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है आराम से करना होता है दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन के अलावा है रूल नंबर टू को पढ़िए कार्बन यौगिक में हाइड्रोजन को छोड़ के अन्य तत्व लिखे जावेंगे अगर ऑक्सीजन आएगी तो उसको लिखा जाएगा वो ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है तीसरे कार्बन से इस वाले कार्बन से तो आप ऐसे लिखोगे कि इस कार्बन से कौन कनेक्टेड है ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा ना भाई यहां एक कार्बन ये रहा दूसरा कार्बन ये रहा तीसरा कार्बन ये रहा इससे कौन कनेक्टेड ऑक्सीजन मान लो अभी ऑक्सीजन आकर के इससे कनेक्ट होती है मान लो इस चेन से आकर के ऑक्सीजन कनेक्ट होती है तो आप कैसे दिखाओगे ऐसे दिखाओगे ना कि भैया जी इस कार्बन की चेन से समझ आ रहा है क्या नाम वाम में नहीं पढ़ना अभी नाम में पड़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी <coughs> अभी केवल कंसेप्ट ध्यान दो ऐसे कि इसके साथ में यहाँ पे एक कार्बन था यहाँ दूसरा कार्बन आ गया या तीसरा कार्बन आ गया अब इस तीसरे कार्बन से कौन कनेक्ट हुआ है इस तीसरे कार्बन से आपकी एक ऑक्सीजन कनेक्ट हुई है पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त तीसरा रूल देखो यदि हाइड्रोजन अन्य तत्व जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है तो उसे दिखाया जाएगा मतलब ये वाली जो हाइड्रोजन है इस वाली हाइड्रोजन को ध्यान से देखो ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ जुड़ी हुई नहीं है अरे फोकस यार ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ जुड़ी हुई नहीं है ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है तो उसको यहां पे दिखाया जाएगा और आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला कुछ इस प्रकार का दिखेगा कमेंट करके बताओ ये वाला लाइन फॉर्मूला मक्खन हुआ क्या ये समस्या एक ही है कि आपको कार्बन के साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन है, नहीं दिखानी है बट आपको अगर किसी अन्य तत्व के साथ में हाइड्रोजन है, जुड़ी हुई है तो उस अन्य तत्व के हाइड्रोजन को आपको जरूर दिखाना है जरूर दिखाना है जरूर दिखाना है दैट इज द पॉइंट ठीक है जल्दी से बताओ बढ़े आगे अब आप एक काम करोगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं उनका बनाने का ट्राई करो ठीक है इसको ट्राई करो अपनी कॉपी के अंदर देखते हैं कितनों का सही होता है कितनों गलत होता है आप कॉपी में ट्राई करो इसका बंद रेखा निरूपण बनाना है आपको फटाफट से ट्राई करो यर ट्राई बन गया देखते हैं चलो किसका सही है किसका गलत है एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन देख रहे हैं चार कार्बन आपको पहले इसका एक अपन ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं है जिसे हमें आइडिया हो कि कौन सा बंदा किससे कनेक्टेड है फिर आगे बढ़ेंगे ना तो पहले वाले कार्बन से तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है एक दो तीन दूसरे वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है एक, दो तीसरे वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है एक दो लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है ऑक्सीजन भी कनेक्टेड है आपको पता है ऑक्सीजन बनाती है डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड तो यह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है अब अगर इस स्ट्रक्चर पर गौर किया जाए तो इससे बॉन्ड लाइन संरचना या बिंदु रेखा संरचना बंद रेखा संरचना कैसे बनेगी एक दो तीन चार कार्बन है तो एक कार्बन दो दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन आपके पास चार कार्बन हो गए ठीक है सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ठीक है इस कार्बन से ये जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है इसको दिखाना है क्या मेरे हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ी हुई है सीधी तो उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तो आप इस हाइड्रोजन को नहीं दिखाओगे आप दिखाओगे सीधा इस ऑक्सीजन को दैट्स इट अब आप ये बोल सकते हो कि सर आपने यहां पर इस हाइड्रोजन को क्यों दिखाया क्योंकि ये ऑक्सीजन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी तत्व के साथ जुड़ी हुई थी इसलिए हमने उसको दिखाया यहां पर जो आपके हाइड्रोजन है ध्यान से देखिए वो सीधी जुड़ी हुई है तो यहां पे उसको उसको शो करने की उसको दिखाने की दिखाने किसी भी प्रकार की कोई जरूरत हमें महसूस नहीं हो रही है इसलिए यहां पे हमने उसको नहीं दिखाया ठीक है अगले एग्जांपल पे चलें नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो फटाफट अपनी कॉपी में ट्राई करते चलो अगर आपसे हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगा इसको करूं। आज क्लास और बेसिक है मैं आज कोशिश करूंगा आईपीएस आज से स्टार्ट हो अगर आज से स्टार्ट नहीं होता है तो कल से फिर हम लोग आईयूपीएससी स्टार्ट करेंगे और एक बात ध्यान रखना कल की क्लास से बस हो गया आज बेसिक खत्म हो जाएंगे जितने भी हैं कल से IUPAC जब स्टार्ट हो जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग लेवल पे चली जाएगी और कल से मैं अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा है ना जब गाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट होती है प्लेन आपका रनवे पे चलता है तो धीरे धीरे चलता है फिर वो एकदम टेक ऑफ करता है तो वही वाली बात है अभी स्पीड थोड़ी धीरे धीरे चल रही मैं आराम आराम से आपको बॉन्ड समझा रहा हूँ उसके बाद में कल से फिर आई स्टार्ट करेंगी वहां से हमारी स्पीड अप स्पीड अप हो जाएगी और कल की जो डीपीपी आपको मिलेगी आई की वो भी अपने आप में काफी डेंस है तो इसीलिए आज आज का समय है अगर किसी का बैकलॉग चेकलॉग है तो खत्म कर लो दो लेक्चर है उसमें काय का बैकलॉग तो देख दो आगे फिनिश करो कल से फिर आई यू चलेगा मजा आ जाएगा फिर आपको फिर स्पीड बढ़ेगी चीजों में हाँ बनाए तो देखो बेटा तीन कार्बन है सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन ये तीन कार्बन हो गए तीसरे कार्बन से कनेक्टेड है नाइट्रोजन तो तीसरे कार्बन से आपकी कनेक्टेड है नाइट्रोजन ऐसे इस नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है हाइड्रोजन अब ध्यान सुनना ये वाली जो हाइड्रोजन है ये वाली जो हाइड्रोजन आपको दिख रही है यह हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है नाइट्रोजन से क्या इसको दिखाना चाहिए हाँ अगर कार्बन से जुड़ी हुई है हाइड्रोजन तो नहीं दिखाएंगे कार्बन के अलावा किसी भी तत्व के साथ अगर कनेक्टेड है तो उसे दिखाना पड़ेगा तो यहां पे हम दिखाएंगे इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन को दिखाया जाएगा उसके बाद नाइट्रोजन से कनेक्टेड है फिर एक कार्बन येरा कार्बन इससे कनेक्टेड एक और कार्बन येरा कार्बन इससे कनेक्टेड एक और कार्बन ये, कार्बन, एक और कार्बन, ये कार्बन ऐसे तो इस प्रकार से हम इसको शो करेंगे बताइए ठीक है बढ़े आगे ठीक है बढ़िया चलो अगला वाला ट्राई करो एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको उसके बाद फिर हम टॉपिक को छोड़ सकते हैं फिर मुझे पता है आप लोग कर लोगे से आपको मान लो ये दे और दे रखा हो आपको कहा गया इसका बंद रेखा निरूपण बना के बताइए चलिए ट्राई कीजिए अपनी कॉपी में एक बार जब मैं बोलता हूं ट्राई करो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप लोग मेरे सॉल्व करने का वेट करो जब मैं आपको बोलता हूं ट्राई करो तो उसका मतलब ये होता है कि आप कॉपी निकालेंगे पेन निकालेंगे और खुद से करके देखेंगे है ना उसका मतलब यह होता है करें एक कार्बन उसके बाद सिंगल बॉन्ड से दूसरा कार्बन कनेक्टेड है आप देख पा रहे हो इससे ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो यहां आपने दिखा दी ऑक्सीजन इस कार्बन को पकड़ो ध्यान से मेरे बच्चों गलती मत कर देना नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा और एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा जरूर इलेवेंथ क्लास के बच्चे आएगा जरूर और ट्वेल्थ क्लास के बच्चे ये मत सोचना कि इससे काम क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे एग्जाम में ऑर्गेनिक में मैं आपको पहले बता चुका हूं कल की क्लास में कि हर एक लेक्चर आपस में कनेक्टेड है बच नहीं पाओगे चलो देखो तो एक कार्बन उससे कनेक्टेड दूसरा कार्बन उस कार्बन पर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को दिखाना पड़ेगा इस हाइड्रोजन को क्यों दिखाएंगे इस हाइड्रोजन को इसीलिए दिखाएंगे क्योंकि ये अन्य तत्व जैसे कि ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है उसके बाद ये वाला कार्बन उसके बाद ये हो गया फिर ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन फिर ये वाला कार्बन काउंट कर लो एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है दिखाना चाहिए हाँ बिल्कुल ऐसे दिखाओ जितने बॉन्ड है उतनी डंडी होगी ध्यान रखिएगा जितने आपके पास बॉन्ड है उतनी डंडी होगी तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल डंडी होगी ओ एच है ओ एच को ऐसे दिखाएंगे ये मेथड है अब इस चीज को ध्यान से देखने के बाद आपको डाउट है क्या दोनों हाइड्रोजन को क्यों दिखाया इस हाइड्रोजन को क्यों दिखाया क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है इसलिए दिखाया बताओ कमेंट करके यहां तक ठीक है क्या अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गेटिंग लगाओ डिग्री ऑफ कार्बन इसका क्या मतलब होता है किसी कार्बन से सीधे जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या सीधे जुड़े हुए अन्य कार्बन की संख्या स्टार्ट करें ध्यान से देखो मान लो आपके पास है एक यौगिक यौगिक सबको दिख रहा है इस यौगिक में आपको यह कहा गया कि हर एक कार्बन की डिग्री बता दो फटाफट आपको यह कहा गया कि इस यौगिक के अंदर हर एक कार्बन की आपको डिग्री बतानी है तो कैसे बताएंगे ध्यान से देखिएगा डिग्री बताने का सबसे सिंपल तरीका क्या है वो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है कि किसी कार्बन से सीधे जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या आपको बतानी है स्टार्ट करें इस कार्बन से आप एक एक कार्बन को पकड़ोगे उसकी डिग्री उसके ऊपर लिखते जाओगे अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो डिग्री होगी वन डिग्री इन कार्बन की संख्या के आधार पे। अगर इन कार्बन की संख्या एक है तो डिग्री होगी वन डिग्री अगर किसी से जुड़े हुए कार्बन की संख्या दो है अभी आ जाएगा समझ में तो होगी इसकी डिग्री होगी दो डिग्री अगर तीन है तो तीन डिग्री चार है तो चार डिग्री इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे प्राथमिक कार्बन प्राथमिक डिग्री वाला कार्बन द्वितीय डिग्री वाला कार्बन तृतीय डिग्री वाला कार्बन चतुर्थ डिग्री वाला कार्बन ऐसे बात करेंगे इसके बारे में ठीक है चलो इधर आते हैं समझिए कैसे इस कार्बन से कितने कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन की बात करनी है ठीक है डायरेक्ट कितने जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन से डायरेक्ट एक ही जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन की डिग्री होगी वन डिग्री आ रहा है समझ में जिस बच्चे के बेसिक जितने अच्छे होंगे ऑर्गेनिक में बच्चा उतना ही आगे जाएगा एक बात ध्यान रखना मैं आपको इतने बेसिक से करा रहा हूं एक समय ऐसा जरूर आएगा जब इतनी भयंकर मैकेनिज्म आपकी आंखों के सामने होगा कि आप बोलोगे कि सर इस मैकेनिज्म को करने में इस मैकेनिज्म को समझने में हमने पहले जितने भी लेक्चर्स देखे ना उन सभी लेक्चर्स के कंसेप्ट काम आ गए आप खुद बोलोगे अपने आप से कि सर इस लेवल की चीज थी ये तो कि इसको समझने के लिए पूरा काम आ गया जितना भी हमने बेसिक्स पढ़े थे इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान दे लो इन चीजों पे तो इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए एक तो वन डिग्री अब इस कार्बन की डिग्री चेक करते हैं इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है ध्यान से देखो उस पर उंगली रख लो यार अगर जल्दबाजी हो रही है उस पर उंगली रख लो और उंगली रख के खुद चेक करो इस कार्बन के ऊपर रखा अपन ने इस कार्बन से एक कार्बन कनेक्टेड है इधर और एक कनेक्टेड है इधर ये वाला कार्बन इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है डायरेक्ट ये शब्द मत भूलना डायरेक्ट डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इस कार्बन से यह भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी दो डिग्री क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से डायरेक्टली तीन कार्बन जुड़े हुए हैं इसकी डिग्री इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक दो तीन तो इससे तीन कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो इसकी डिग्री हो जाएगी थ्री डिग्री इससे एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर भाई इस कार्बन से डायरेक्टली सीधा एकदम सीधा कितने कार्बन जुड़े हुए हैं एक दो तो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है दो तो ये हो जाएगा टू डिग्री कार्बन लास्ट वाले कार्बन की फटाफट से डिग्री बताओ कमेंट सेक्शन में और अभी मैं इलेवंथ और ट्वेल्थ को साथ पढ़ा रहा हूँ ठीक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इलेवंथ के लिए भी है ट्वेल्थ के लिए भी है इसलिए अभी इलेवंथ और ट्वेल्थ की केमिस्ट्री एकदम साथ चल रही है हाँ तो इधर इस कार्बन से एक इधर जुड़ा है एक इधर एक इधर एक इधर, एक इधर। तो इसकी डिग्री हो जाएगी चार डिग्री अब एक बात ध्यान रखिएगा वन डिग्री कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन को डिग्री हाइड्रोजन कहा जाता है मतलब वन डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है वन डिग्री हाइड्रोजन दो डिग्री कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन को कहा जाता है टू डिग्री हाइड्रोजन ठीक है थ्री डिग्री कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन को कहा जाता है थ्री डिग्री हाइड्रोजन चार डिग्री कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन को कहा जाएगा चार डिग्री हाइड्रोजन अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस यौगिक में वन डिग्री कार्बन कितने हैं एक हाँ एक मिनट इनको तो भूल ही गए इसको देखो यह वाला जो कार्बन है सीधा एक कार्बन जुड़ा हुआ है ये वन है। ये डिग्री है कोने वाला जो कार्बन है ये भी सीधा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्टेड है ये भी वन डिग्री है ये भी वन डिग्री है ये भी डायरेक्ट एक कार्बन से तो वन डिग्री कितने हो गए एक दो तीन चार तो चार कार्बन है जो वन डिग्री है दो डिग्री कार्बन कितने इस यौगिक के अंदर गिनती करके बताओ एक दो दो डिग्री कार्बन दो है तीन डिग्री कार्बन कितने इस यौगिक के अंदर एक चार डिग्री कार्बन कितने हैं एक ये रहा। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं वन डिग्री हाइड्रोजन कितनी है ध्यान से देखना अब समझो अगर कोई कार्बन सही है ना वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री चार वन डिग्री है इसके अंदर दो दो डिग्री है तीन डिग्री हाँ एक रह गया ना बेटा ये लाला भी तो पड़ा हुआ है यहां पे ये कार्बन भी तो एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इस हिसाब से वन डिग्री हो जाएंगे पांच ठीक है तो एक दो तीन चार पांच हो गए वन डिग्री दो हो गए दो डिग्री एक हो गया यहां पे तीन डिग्री और एक हो गया चार डिग्री ठीक है अब ये सोचो कि अगर एक कार्बन एक डिग्री है तो उसके पास कितनी हाइड्रोजन होती है तीन हाइड्रोजन अगर कोई कार्बन दो डिग्री है तो उसके पास कितनी हाइड्रोजन होती है दो अगर कोई कार्बन तीन डिग्री है तो उसके पास कितनी हाइड्रोजन होती है एक क्योंकि तीन बॉन्ड तो वो कार्बन से बना चुका है एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है अगर कोई दो डिग्री है तो दो बॉन्ड तो उसने कार्बन से बना लिए बचे हुए दो वो हाइड्रोजन से बना रहा है अगर वो वन डिग्री है तो एक बॉन्ड उसने कार्बन से बना लिया और बचे हुए तीन वो हाइड्रोजन से बना रहा है तो कहने का मतलब अगर आपको वन डिग्री हाइड्रोजन काउंट करनी है तो वन डिग्री कार्बन कितने हैं पांच और हर कार्बन के पास कितनी कितनी हाइड्रोजन होगी तीन तो पांच दिया पंद्रह पंद्रह होगी आपकी वन डिग्री हाइड्रोजन काउंट कर लो तीन तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन काउंट करेंगे आ जाएगा पंद्रह ठीक है दो डिग्री हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे यौगिक के अंदर दो डिग्री हाइड्रोजन कितनी है दो है एक दो डिग्री हाइड्रोजन के पास में कितने एक दो डिग्री कार्बन के पास में कितनी हाइड्रोजन होती है एक दो डिग्री कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन होती है यहां पे कितने दो डिग्री हैं दो हैं तो दो, दुनी दो कितने हो जाएंगे चार हाइड्रोजन हो जाएगी दो डिग्री वाली चेक कर लो दो प्लस दो चार तीन डिग्री हाइड्रोजन काउंट करते हैं अगर तीन डिग्री हाइड्रोजन को काउंट करके चेक करें तो थ्री डिग्री कितनी हाइड्रोजन है थ्री डिग्री कार्बन कितने एक और थ्री डिग्री कार्बन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन होती है तो थ्री डिग्री कार्बन यहां पे एक है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाएगा वन इसके पास ठीक है चार डिग्री हाइड्रोजन सुनो अगर कोई कार्बन चार डिग्री है मतलब एक कार्बन चार कार्बन से ऑलरेडी कनेक्टेड है कार्बन पांच बंद बनाता नहीं है मतलब अब हाइड्रोजन से जुड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई इस कार्बन को अगर आप बहुत विशेष तौर पे देखो ध्यान से तो ये जो कार्बन है ये कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ है और अगर ये कार्बन चार से जुड़ा हुआ है तो पांचवा बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता तो इसका मतलब फोर डिग्री हाइड्रोजन होती नहीं है तो फोर डिग्री हाइड्रोजन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है फोर डिग्री हाइड्रोजन संभव ही नहीं है फोर डिग्री कार्बन हो सकता है फोर डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकती क्योंकि अगर कोई कार्बन फोर डिग्री है तो उसके ऊपर हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं होगी बताइए बॉस ठीक है यहां तक चलो अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी उससे पहले एक कंसेप्ट और समझा दें आपको कार्बन का संकरण तथा पाई सिग्मा बंद देखो संकरण के लिए क्लास इलेवेंथ का टॉपिक है वैसे तो संकरण के लिए यहां पे मैं आपको एक बहुत ही धांसू ट्रिक दे रहा हूं उस धांसू ट्रिक को भूलना मत <coughs> आप चाहो तो आशीष सर के कैप्सूल के रूप में भी लिख सकते हो इसको क्या है वो धांसु ट्रिक सर सुनो अगर कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल है तो कार्बन का संकरण होगा sp3 थ्री लिख के रखो फटाफट पहले ये लिख लो ट्रिक उसके बाद मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा इसका रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है अगर कार्बन का एक बॉन्ड डबल है तो उसका संकरण होगा sp2 और अगर कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल है तो उसका संकरण होगा एस या फिर अगर कार्बन के दो बॉन्ड डबल हैं तो भी उसका संकरण होगा एस मतलब एग्जाम्पल से देखो फटाफट पहले तो जैसे ऐसा दे रखा है चलो एग्जाम्पल में अलग से बताऊंगा अब ये देखो कार्बन के अगर सभी बॉन्ड सिंगल है तो एसपी थ्री है एक बॉन्ड डबल है तो एसपी टू है दो बॉन्ड डबल हो जाए या जा फिर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो हो जाएगा एसपी संकरण अब एक्चुअल में संकरण की जो गणित है ना वो ऐसे होती है कि संकरण होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मेरी पूरी बात सुनते हुए चलना मैं आपको एग्जाम्पल सबको सब समझा दूंगा बस बात सुनते चलना सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को हम काउंट करते हैं लोन पेयर मतलब होता है एकाकी युग्म आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर एक इलेवेंथ क्लास के बच्चे को ट्वेल्थ में आ, आना है और कोई चैप्टर अगर उसको पढ़ना चाहिए तो वो कौन सा पढ़ना चाहिए आपका फोर्थ चैप्टर पढ़ना चाहिए तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ये इसकी काउंट करेंगे इसको आप अगर इसकी काउंटिंग चार आ रही है तो संकरण होगा sp3। अगर इसकी काउंटिंग तीन है तो संकरण होगा sp2। इसकी काउंटिंग अगर दो है तो संकरण होगा sp। अब एक एग्जाम्पल के साथ में चेक करते हैं ठीक है चार बॉन्ड चार बॉन्ड एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार बस ये संभव नहीं है एक दो तीन चार ठीक है।, है अब मेरे साथ ध्यान देना एक कहानी और बतानी है अगर दो लोगों के बीच में कभी भी सुनना अच्छे से दो लोगों के बीच में कभी भी सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो हमेशा सिग्मा होगा दो लोगों के बीच में अगर कभी डबल बॉन्ड बना तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा दो लोगों के बीच में अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड बना तो एक सिग्मा होगा और बाकी के दो पाई होंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड करने में है ना काफी बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं इस बात को बहुत अच्छी बात है लिखोगे तो याद होगा हाँ तो अगर बॉन्ड सिग्मा है सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा डबल है तो एक सिग्मा एक पाई होगा और ट्रिपल है तो एक सिग्मा और दो पाई करते हैं इस कार्बन को चेक करो भैया जल्दी से इस कार्बन को चेक करो यहां किसी भी कार्बन के ऊपर लोन पेयर तो है ही नहीं तो यहां सभी कार्बन पर लोन पेर का मतलब समझते हो एकाकी युग्म एकाकी युग्म का मतलब समझते हो जैसे मान लो आपके पास अमोनिया है तो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं इसको एकाकी युग्म कहते हैं है ना? हाँ तो सभी कार्बन पे लोन पेयर है कितने हैं जीरो किसी भी कार्बन पे लोन पेर नहीं है तो मतलब जो फैसला होना है संकरण का वो सिग्मा बॉन्ड के बेस पे होना है तो एसपी तीन आ रही है तो एसपी तो बट अगर यहां पर लोन पेयर जीरो है, कि किसी भी कार्बन पे कोई लोन पेयर है ही नहीं ऐसी कोई दो टिमकियां दिखी नहीं रही हमको अगर किसी भी यौगिक के ऊपर टिमकी लगी हुई है ऑक्सीजन पे होती है दो चार टिमकियां जल में ये ऑक्सीजन पे चार टिमकी होती है अगर आपका हेलोजन है तो हेलोजन पे छह टिमकियां होती है तो दो टिमकी से एक युग्म बनता है यहां तो कार्बन पे कोई युग्म है ही नहीं ठीक है फ्री है कार्बन तो तो जो फैसला होना है वो सिग्मा बॉन्ड को करना सिग्मा बॉन्ड गिन लो चार आता है तो एस थ्री क्योंकि होता पता है क्या है संकरण में एक एस और तीन पी ऐसे मिक्सिंग चलती है तो अगर वैल्यू चार आ रही है तो एक एस और चार पी, तीन पी मिक्स होंगे अगर वैल्यू तीन आ रही है तो एक S और दो पी मिक्स होंगे पढ़ा था कि जितने सिग्मा उतने मिक्स करने हैं सिंपल ओके चलिए तो ये जो कार्बन है इसके पास कितने सिग्मा है अब सिग्मा चेक करने का तरीका क्या है भैया पहला बॉन्ड सिग्मा दो बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई तीन में एक सिग्मा और दो पाई तो सिग्मा काउंट करते हैं सिग्मा 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 तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है चार और अगर इस कार्बन के पास चार सिग्मा है तो इसका संकरण क्या होगा sp3 इस, इस कार्बन के सिग्मा काउंट करो सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा एक सिग्मा एक पाई डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा तीन बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई सिंगल बॉन्ड अब बस कार्बन के सिग्मा काउंट कर लो काम बन जाएगा मत जाएगा चलो करते हैं तो ये जो कार्बन है एसपी थ्री संकरण है क्यों क्योंकि चार सिग्मा थे इस कार्बन के एक दो तीन चार, चार सिग्मा है तो इसका संकरण भी क्या होगा एसपी थ्री इस कार्बन की कितने सिग्मा है एक दो तीन भाई एक तो पाई है एक तो पाई है तो एक सिग्मा दो सिग्मा, तीन सिग्मा तीन सिग्मा में संकरण क्या होता है sp2। पड़ोस वाले कार्बन को देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा तीन सिग्मा तीन सिग्मा, सिग्मा संकरण क्या होगा sp2। पड़ोस वाले कार्बन को चेक करो इस कार्बन को एक सिग्मा एक सिग्मा दो सिग्मा दो सिग्मा में संकरण क्या होगा एस इसका एक सिग्मा या एक सिग्मा या दो सिग्मा, दो सिग्मा में संकरण क्या होगा एस हाथ ऊपर करके बताइए सभी दोनों हाथ जोर से उठाइए बताइए समझ आ गया क्या और डायरेक्ट ट्रिक देखो अगर कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो sp3 होगा सारे बॉन्ड सिंगल sp3, सारे बॉन्ड सिंगल sp3। अगर कार्बन का एक बॉन्ड डबल हो जाए तो sp2 इस कार्बन का भी एक बॉन्ड डबल है sp2 टू कार्बन का अगर एक बॉन्ड ट्रिपल हो जाए तो एसपी एक बॉन्ड ट्रिपल हो गया इस कार्बन का इधर तो एस पी इसका एक इधर ट्रिपल हो गया एस पी हो गया लाइफ मस्त मजा आ रहा है अब सिग्मा बॉन्ड की प्रैक्टिस करनी है बस सिग्मा पाई की प्रैक्टिस करनी है अब यहां पर आपसे कोई पूछेगी कुल सिग्मा बंद बताओ कितने हैं और कुल पाई बंद बताओ कितने हैं कर पाओगे सिग्मा कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह सिग्मा है इसमें पाई कितने हैं एक दो तीन तीन पाई है तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ मैंने सिग्मा वापस काउंट करते हैं यार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है पाई कितने हैं एक दो तीन बंद कितने हो गए सोलह एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ऐसे तो जो आपको डीपीपी मिली होगी ना आप डीपीपी चेक करना ऑर्गेनिक की उसमें आपको यही सवाल दिया गया है कि सिम्मा बंद और पाई बंद और आपको कार्बन का संकरण जो है वो बताना है ठीक है बढ़िया अब एक सवाल करें आखिरी आज का इसमें आपको कार्बन की डिग्री और संकरण बताना है कार्बन की डिग्री भी बतानी है आपको सभी कार्बन की और सभी कार्बन का संकरण भी बताना है आपको ले लो एक मिनट कर लो ट्राई स्टार्ट ले लो एक मिनट और कल लुट रहा है अल्लाह भैया आवाज चली गई वापस पढ़ाना पड़ेगा कोई बात नहीं वापस देखते हैं डिग्री देखने के लिए कुछ नहीं करना होता है कार्बन सीधा जुड़ा हुआ कार्बन चेक करना होता है बस डिग्री देखने के लिए कुछ नहीं करना है डिग्री देखने के लिए सीधा जुड़ा हुआ कार्बन पर फोकस करना है तो इससे जुड़े हुए कार्बन देखो आप इससे सीधे कार्बन कितने जुड़े हुए एक कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट और एक ये जुड़ा हुआ है तो इससे दो कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं तो इसकी डिग्री हो जाएगी दो डिग्री इस कार्बन से भी सीधे दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी दो डिग्री इस कार्बन से सीधे दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो यह डिग्री हो जाएगी दो डिग्री इससे सीधा दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसकी डिग्री हो जाएगी दो डिग्री एक कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से सीधे दो कार्बन जुड़े हुए हैं डिग्री हो जाएगी दो डिग्री इस कार्बन से एक इधर जुड़ा हुआ है एक यहाँ जुड़ा हुआ है एक यहां जुड़ा हुआ है तो इससे तीन कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसकी डिग्री हो जाएगी तीन डिग्री इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री हो जाएगी वन डिग्री अब वन डिग्री कार्बन कितने हैं चेक करो दो डिग्री कार्बन कितने हैं चेक करो तीन डिग्री कितने हैं चेक करो चार डिग्री कितने हैं चेक करो वन डिग्री तो एक है दो डिग्री के एक दो तीन चार पांच हैं तीन डिग्री का एक है चार डिग्री का जीरो है अब अगर अपन वन डिग्री हाइड्रोजन काउंट करें तो वन डिग्री कार्बन पे तीन हाइड्रोजन होती है एक वन डिग्री कार्बन पर तीन हाइड्रोजन होती है आप चाहो तो लिख लो कहीं पे इसको कैप्सूल के रूप में यह बात आपने यहां देखी थी ना कि वन डिग्री कार्बन पर तीन हाइड्रोजन होती है वन डिग्री कार्बन पर तीन हाइड्रोजन होती है वन डिग्री कार्बन पे तीन थी तीन 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 हाइड्रोजन होती है वन पर तीन एच दो डिग्री कार्बन पे दो एच होते हैं डिग्री कार्बन पे एक एच होता है है ना चलो हाँ जी तो वन डिग्री हाइड्रोजन कितने वन डिग्री कार्बन कितना है? एक है एक वन डिग्री कार्बन पे तीन हाइड्रोजन तो टोटल वन डिग्री हाइड्रोजन कितनी होगी तीन दो डिग्री हाइड्रोजन चेक करते हैं दो डिग्री हाइड्रोजन है पांच दो डिग्री कार्बन कितने हैं पांच और एक दो डिग्री के कार्बन पे दो हाइड्रोजन होती है तो पांच पे कितनी होगी दस तो दस हाइड्रोजन है दो डिग्री वाली तीन डिग्री हाइड्रोजन चेक करते हैं तीन डिग्री को चेक करो तीन डिग्री कार्बन पर एक हाइड्रोजन होती है कमेंट करके फटाफट से आंसर कर देना चाहिए आपको इतनी देर में तो तीन डिग्री हाइड्रोजन पे कितनी डिग्री कार्बन पे एक हाइड्रोजन होती है तो कितने हैं डिग्री कार्बन एक है, तो एक पे एक तो पे हाइड्रोजन बस हो गया दैट्स इट संकरण को समझने के लिए अब संकरण की बात आ रही है आपको इसके पूरे फॉर्मूले को खोल के लिख देना चाहिए एक बार जहां जहां भी कार्बन है यहां पर कार्बन है पड़ोस में इधर कार्बन है यहां 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 कार्बन है जहां जहां पर हाइड्रोजन कम है लगाते जाओ दो बॉन्ड दो बना रखे और बनाएगा मतलब दो जगह पर हाइड्रोजन थी जो यहाँ पे दिखाई नहीं क्यों नहीं दिखाई क्योंकि बंद रेखा निरूपण में हाइड्रोजन नहीं दिखाते है। मक हैं मक्खन हुआ सबको इस कार्बन ने दो बना रखे और बनाएगा दो बॉन्ड बना रखे और बनाएगा दो बना रखे हैं और बनाएगा दो बना रखें हैं दो और बनाएगा इसे तीन बना रखें हैं एक और बनाएगा इसमें एक बना रखा है तीन और बनाएगा अब संकरण बताने के लिए आपको दिमाग लगाना है बहुत आसान तरीके से अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है तो संकरण sp3 एसपी थ्री एक डबल है तो एसपी टू एक ट्रिपल है तो sp चेक करते हैं इस वाले कार्बन को देखो सारे बॉन्ड सिंगल है तो इसका संकरण होगा sp3 और आप इसको समझना चाहो हो समझ भी सकते हो इस कार्बन के पास एक दो तीन चार सिग्मा बॉन्ड है तो चार सिग्मा के हिसाब से एस थ्री होता है ये वाला कार्बन भी सारे बॉन्ड सिग्मा है सिंगल बॉन्ड है सारे एस थ्री संकरण इस कार्बन के भी सारे बॉन्ड सिंगल ही हैं। देख लो आप और सिग्मा बॉन्ड करोगे तो वो भी चार हैं संकरण एस थ्री सारे बॉन्ड सिंगल संकरण एस थ्री सारे बॉन्ड सिंगल संकरण एस पी थ्री सारे बॉन्ड सिंगल संकरण एस पी थ्री सारे बॉन्ड सिंगल एस पी थ्री मतलब इसमें जितने भी कार्बन है उस सबका संकरण क्या है एसपी थ्री है और यहाँ आप चेक करोगे तो कार्बन ने सारे बॉन्ड सिग्मा बना रखे हैं जितने भी कार्बन है उन सभी के पास चार चार सिग्मा बॉन्ड है तो अगर हर कार्बन के पास चार चार सिग्मा बॉन्ड है तो हर कार्बन का संकरण क्या होगा एस पी थ्री या जितने भी कार्बन है उनका संकरण कितना है एस पी थ्री अब अगर आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होंगे तो एस पी थ्री एक एस पी थ्री काबन के पास में सिग्मा होते हैं चार पर काउंट करना तरीके से देखो स्टार्ट करते हैं कहाँ शुरू करें यहाँ शुरू करते हैं इसको मैंने काउंट कर लिया है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने हैं इक्कीस सिग्मा बॉन्ड है और काउंट करने का एक आसान तरीका और बता देता हूं वैसे ही सिंगल काउंट कर लो एक दो तीन, ऐसे कर लो एक दो तीन, चार पांच छ सात तो सात तो यहां पे दिख रहे हैं और हर एक कार्बन के ऊपर दो दो और हैं तो सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह उसके बाद इस पर एक होगा

इसके पास दो बॉन्ड सिग्मा होंगे सात के बाद आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह इसके ऊपर होगा एक क्योंकि इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है तो अट्ठारह और इसके ऊपर तीन हाइड्रोजन होगी तो उन्नीस बीस इक्कीस तो ऐसे आपके सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने निकल के आते हैं इक्कीस सिग्मा बॉन्ड काउंट करते वक्त स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है इसे सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते वक्त आप स्ट्रक्चर अच्छे से बना लिया करें बताओ ठीक है क्या अब एक होमवर्क देते हैं आपको समझ आ गया क्या हाथ ऊपर करके बताओ आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से आज की क्लास कैसी लगी कार्बन के संकरण वंकरण सब समझ में आए कि नहीं आए जल्दी से बता दो यार इसके अंदर हर एक कार्बन का संकरण निकाल के लाना कितने वन डिग्री कार्बन है कितने दो डिग्री हैं कितने तीन डिग्री हैं कितने चार डिग्री हैं वन डिग्री हाइड्रोजन कितनी है टू डिग्री हाइड्रोजन कितनी है थ्री डिग्री हाइड्रोजन कितनी है सब काउंट करना है बताइए

कल जो डीपीपी थी सोल्यूशन आ जाएंगे आज जो डाल दी उसकी कल आएंगे ठीक है अब तो कैसा रहा आज का सेशन डीपीपी करके इसकी प्रैक्टिस कर लेना इसका आंसर सारे कमेंट्स पढ़ूंगा मैं फिर बता रहा हूं कमेंट करते रहना है कमेंट में सारे पढ़ता हूँ एक एक बच्चे के लाइक और हार्ड भी देता हूँ खुद बैठ करके और इसमें मेरा बहुत समय जाता है लगभग एक से डेढ़ घंटा सभी कमेंट्स को पढ़ने में जाता है बट आपके कमेंट्स काफी कुछ बताते हैं चीजों को लेकर के इसलिए मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है दूसरी बात है। कल की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कल की क्लास में हम लोग नामकरण पे फोकस करने वाले हैं तो कल की क्लास क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कल की क्लास इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कल की क्लास में आई नामकरण पे फोकस करने वाले हैं तो सभी बच्चों को कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी आई नामकरण अभी तक लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू हुआ है तो किसी भी बच्चे का बैकलॉग हो तो खत्म कर लेना भैया दो ही लेक्चर हुए हैं ऑर्गेनिक में सारे लेक्चर आपस में कनेक्टेड हैं इसलिए याद रखिएगा एक लेक्चर भी छूटा तो खेल खत्म कल हम मिलेंगे छह बजे फिर से सुबह और कल सुबह छह बजे आपको पढ़ाया जाएगा आई यू पी एस सी अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का नामकरण और एक कार्बनिक यौगिक का आई नामकरण अगर किसी बच्चे को नहीं आता है ना तो यह असंभव है उसके लिए कि वो ऑर्गेनिक पढ़ सके मान के चलिएगा इसलिए आई यू नामकरण के ऊपर इतना ज्यादा फोकस हर साल मेरा रहता है इस साल भी रहेगा ठीक है तो अब आप बढ़िया से स्कूल जाइए कमेंट करिएगा बताइएगा कैसा लगा आज की क्लास में इतना ही आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो बहुत शानदार चीज थी आज हम लोगों ने संकरण की प्रैक्टिस करी आज हम लोगों ने बॉन्ड्स की प्रैक्टिस करी आज हम लोगों ने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना सीखा और उसके रूल समझे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या पहले चल रहा था वो देखा वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी कि भाई ये तो अदृश्य शक्तियाँ हैं इनके पीछे वो थ्योरी कैंसिल हुई वॉलर ने कैंसिल किया वॉलर के बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने फिर शुरू कर दिया था धड़ 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 धर, 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 धर बनना शुरू हो गए थे और ये थ्योरी पूरी तरह से नकार दी गई थी बढ़िया तो प्राउड टू बी एन ए एसलियन और आप सभी बच्चे अपनी जो गूगल आईडी है उसके साथ में ए के स्टूडेंट्स ये जरूर लिखा करो आशीष सिंह लेक्चर्स के स्टूडेंट्स ये हमारा कोई परिवार बनाता है और हम एक परिवार का हिस्सा हैं

आप जैसे ऐप में जाओगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम उसके बाद केमिस्ट्री में जाओगे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है उसमें डीपीपी वन डली हुई है <coughs>